नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। वोटों के लिए फ्री की रेवड़ी बांटने वाले केजरीवाल ने एक पहलवान को इनामी राशि देने से मना कर दिया। मामले के बावजूद भी केजरीवाल ने इनाम देने से मना कर दिया। ये खिलाड़ी रहती दिल्ली में है और अभी से नहीं पिछले 20 साल से दिल्ली में ही रह रही हैं। बस ये कसूर है कि उनकी पैदाइश यूपी की है। बस यही बात केजरीवाल को अखर गई और उनकी सरकार ने इस कांस्य पदक विजेता को दिल्ली का मानने से ही इनकार कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार ने बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली दिव्या काकरान का सम्मान करने का फैसला किया है। मुजफ्फरनगर में रहने वाली दिव्या को योगी सरकार 50 लाख रुपए इनाम देगी। वो दिल्ली से खेलती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें यूपी का बताकर पल्ला झाड़ लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में कांस्य जीतने वाली दिव्या काकरान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मदद मांगी थी। इसके बाद इस मदद पर राजनीतिक बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी यानी आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर उन्हें यूपी का खिलाड़ी बताया। दिव्या ने ट्वीट करके दिल्ली के सीएम से मदद मांगी थी। दिव्या ने कहा था कि मेडल की बधाई देने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद। मेरा आपसे एक आवेदन है कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रही हूं और यहीं अपने खेल कुश्ती का अभ्यास कर रही हूं, परंतु अभी तक मुझे राज्य सरकार की तरफ से कोई इनाम राशि नहीं दी गई है और ना ही कोई मदद दी गई है। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब दिव्या के सबूत दिखाने के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाला देते हुए ट्विटर पर दिव्या से कहा, बहन पूरे देश को आप पर गर्व है, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि आप दिल्ली की तरफ से खेलती है। आप हमेशा उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलती आई है, लेकिन खिलाड़ी देश का होता है। योगी आदित्यनाथ जी से आपको सम्मान की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपकी बात जरूर सुनेंगे। इसके बाद सीएम योगी की ओर से बकायदा ट्वीट कर ये घोषणा की गई कि दिव्या का सम्मान यूपी सरकार करेगी। योगी सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीतकर ना सिर्फ देश का बल्कि प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। योगी सरकार ने जो जवाब केजरीवाल को दिया है, उस जवाब को केजरीवाल ताउम्र याद रखेंगे। अपने प्रचार पर केजरीवाल लाखों की बजाय करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं, लेकिन देश को सम्मान दिलाने की बात आई तो उन्होंने बेटी का हक छीन लिया। देश की बेटी को यूं अपमान करना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।